सो हे गाइस, यहाँ पे Realme U2 गाइस काफी जल्दी आने वाला है। और आपको जैसा कि पता है Realme U1 काफी अच्छा स्मार्टफोन रहा है, क्योंकि आपको इसमें देखने को मिल जाता था काफी अच्छा लाजवाब सेल्फी जो कि आता था 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ में। तो इस बार Realme U2 में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं इसी Realme U2 के बारे में बात करना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इसी Realme U2 के डिजाइन एंड डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको डिजाइन मिलेगी एक ग्लास वाली बॉडी, या फिर आपको ग्लॉसी ग्रेडिएंट का फिनिशिंग तो मिलेगा ही, या फिर आपको देखने को मिलेगा एक पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी जो कि आएगा गाइस पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में। अगर बात करेंगे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच का डिस्प्ले। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा होने वाला है इसका डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड का पैनल, जहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपको इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा एक डॉट नॉच, या फिर आपको बोल सकते हो यहाँ पे आपको वाटर डॉट नॉच देखने को मिलेगा जो कि आएगा गाइस 19:9 वाले एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि आपको इसमें कोई 700 सीरीज का कोई प्रोसेसर देखने को मिले, मे भी आपको देखने को मिले स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर गाइस, जो कि काफी अच्छा होने वाला है, या फिर आपको स्नैपड्रैगन 730G भी देखने को मिल सकता है जो कि गेमिंग प्रोसेसर। क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको जैसा कि पता है Realme U1 में भी काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिला था, तो इसमें भी आपको स्ट्रांग प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें इसके रैम वेरियंट्स के लिए, तो गाइज ये फाइनली लॉन्च होगा गाइज 4GB और 6GB वाले रैम वेरियंट्स के अंदर, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा Realme का खुद का OS, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा Android 10 का सपोर्ट। अगर बात करेंगे फोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप जो कि आने वाला 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ में, जहाँ पे सैमसंग का GW1 का सेंसर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। सेल्फी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिल सकता है, जो कि लेकिन यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का ये सेंसर मिलने वाला है जो कि पूरा 100% कंफर्म है। तो यहाँ पे बात करेंगे फोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4000 से प्लस बैटरी देखने को मिल सकती है, जो कि अगेन आने वाला 30 वैट के फूक चार्जिंग के साथ में, जो कि आपके फ़ोन का स्पीड जो चार्जिंग स्पीड होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो मतलब आपका फ़ोन को चार्ज होने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा 70% तक गाइज। तो अगर यहाँ पे देखें तो आपको सारे चीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और आपको यहाँ पे 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। तो बस गाइज ये थे कुछ इसके कन्फर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, लेकिन फाइनली बात करें फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो जैसा कि आपको याद होगा गाइस कि Realme U1 कुछ लॉन्च होता था 16 से 17 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज के आसपास ही, तो आपको ये Realme U2 इसी प्राइस रेंज में ही देखने को मिलेगा, जो कि अगेन होगा 16 से 17 हज़ार रुपये के स्टार्टिंग प्राइस रेंज के अंदर ही। और बात रही यहाँ पे लॉन्च डेट की गाइस, तो ऐसा तो कुछ कन्फर्मेशन नहीं आया कि कब ये लॉन्च हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्टली ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलता है हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाई।